दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं किसी ना किसी नए टॉपिक की वीडियोस आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं। तो इस समय सूर्य का गोचर मेष राशि में हो रहा है और जब ये अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं और इनको कॉम्बिनेशन, इनको युति कौन इनके किसके साथ हो रही है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ हो रही है। तो जब मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक लग्न में जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है मेष राशि में, वो आपके छठे भाव में बन रहा है। आपकी राशि के जो लग्नेश है वो मंगल है। अब देखिए चर्चा करते हैं कि जो ये कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं सूर्य की, तो सूर्य आपके कहां के मालिक है, 10th हाउस के मालिक है। जहां भी आप कर्म करते हैं, जहां भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका मालिक कहां आ गया, 6th हाउस में आ गया। अगर मैं बात करता हूं गुरुदेव बृहस्पति की, तो गुरुदेव बृहस्पति मेरे 5th हाउस के मालिक है और हमारे 2nd हाउस के मालिक है, मतलब पैसे वाले घर के मालिक है और हमारी इच्छाओं के मालिक है, 5th हाउस के मालिक है। दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब 10th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन और 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हमारे कहां बन रहा है, 6th हाउस में बन रहा है। तो ये आपसे कहना क्या चाह रहा है और ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली हमारे जीवन में क्या वर्क करेगा। देखिए 14 अप्रैल से लेकर 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक ये कॉम्बिनेशन बना है और ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। पावरफुल कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे कि मैं अगर आप धातुओं में बात करते हैं तो सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे तांबे को और गुरुदेव बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड को। दोनों को जब मिक्स करते हैं, आभूषण बनाते हैं, तो क्या होता है कि सोने को मजबूती बनते हैं, सुंदर आभूषण बनते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन आप समझिए। अब ये हमारी लाइफ में किस प्रकार के चेंजेस लाएगा, तो आप समझो छठा हाउस हमारा किस चीज का है, रोग ऋण शत्रु का है, पालतू जानवरों का है, या फिर हम आपसे कहते हैं कि जितने भी प्रकार के जॉब हम करते हैं, कोई सर्विस हम प्रदान करते हैं, तो ये सब उस चीज से देखा जाता है। तो आप एक चीज को समझो कि जब भी 5th हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति, कहां आ गए, 6th हाउस में। 2nd हाउस का मालिक कहां आ गया हमारे, 6th हाउस में, और 10th हाउस का मालिक भी आ गया 6th हाउस में। तो ये हमसे इंडिकेट क्या कर रहा है, ये आपका वो टाइम रहेगा 15 दिन का कि जो भी आप जॉब कर रहे हो, जहां भी आप जॉब कर रहे हो, वहां आपको क्या है, संघर्ष करना पड़ेगा। पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जॉब के लिए आपको संघर्ष दे रहा है। और अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि इस समय कि जो 2nd हाउस का मालिक हमारा 6th हाउस में जा रहा है, इसका मतलब कि जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो भी बड़े परिश्रम, बड़े संघर्ष के बाद आएगा। लेकिन कहां कहां ये हमें हेल्प कर रहा है, रोग ऋण और शत्रुओं से ये हमारे हमको बचाने का काम कर रहा है। जहां पर भी ये बैठते क्या करेंगे, उस घर को थोड़ा सा डैमेज करेंगे, जिससे कि जैसे हमें कोई रोग होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, मतलब उस रोग से निकल के आप लोग बाहर आ जाओगे। अगर किसी भी प्रकार का कर्जा आपको चाहिएगा, मान लीजिए आपको बहुत टाइम हो गया कि किसी जगह आपने, आपको पैसे की आवश्यकता है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, तो वो पैसा आपको लोन के रूप में मिलेगा। आप इसको समझिए, अगर आप अपने किसी मकान को किराए पर देना चाहते हैं, तो वो जैसे आप बहुत समय से सोच रहे हैं कोई पार्टी अच्छी नहीं मिल रही, वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको इसके लिए क्या करवाएगा, ये परिश्रम करवाएगा, संघर्ष कराएगा, क्योंकि 6th हाउस हमारे संघर्ष का हाउस होता है। एक चीज आपको यहां और भी ध्यान रखनी है कि जब 5th हाउस का संबंध हमारे 6th हाउस से बनता है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज को समझोगे कि छठा, पांचवा हाउस हमारी इच्छाओं का हाउस है। हमारी इच्छा पूर्ति कहां होगी, 6th हाउस से होगी। कैसे होगी, जब हम अपनी सेवाओं को बेचना शुरू कर देंगे, जो भी हमारे अंदर नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, उसको हमें लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। पहली बात, 10th हाउस का मालिक चूंकि 6th हाउस में पहुंच गया, तो एट प्रेजेंट कंडीशन में जहां भी हम जॉब करते हैं, जहां भी हम बिजनेस करते हैं,
वहां हमें क्या होगा, संघर्ष का, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन चुनौतियों की सबसे बड़ी खास बात आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, यहां पर आप जीत कर बाहर आओगे। जो भी चीज ये 15 दिन में जिस प्रकार के भी आप सोच रहे हो ना कि संघर्ष मेरे को देखने को मिल रहे हैं, आपको बस जरूरत है एक जगह टिके रहने की। जो भी जजमेंट आप लोगे उस पर टिके रहिए, तो आपके जो शत्रु आपके ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं, आपके पीछे षड्यंत्र रचने की सोच रहे हैं, उनसे सब क्या होगा, आपको निजात भी मिलेगी इन 15 दिनों के अंदर। और जिस प्रकार के मैटर उलझे हुए हैं ना आपके, और बहुत टाइम हो गया कि आप उसको सुलझा ही नहीं पा रहे हो, तो इन दोनों की युति क्या करेगी, उन सारे पेंडिंग वर्क को, जो भी आप सोच रहे हो कि ये किस वजह से मुझे दिक्कत हो जाएगी या कोई बात हो जाएगी, तो वो वाला जो संघर्ष है इसको आप कीजिए। जब किसी भी मनुष्य के जीवन में संघर्ष आता है तभी उसको सफलता मिलती है, पहला गुण आप ये समझ लीजिए। तो इस समय आपको क्या है, इन चीजों से बिल्कुल नहीं घबराना है कि दूसरा मेरा क्या कर लेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आप अपना काम कीजिए और उससे जीत हासिल कीजिए। तो ये मेन चीज मैंने आपको बताई। इस पूरे 15 दिनों में आपको क्या है, हर जगह कहीं ना कहीं स्ट्रगल की संभावना रहेगी, कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई ऐसी बात लगातार लगती रहेगी जो आपको ठेस पहुंचाएगी। किसके क्षेत्र में पहुंचाएगी, एक तो आपके कार्य क्षेत्र में, और किस चीज में, जो आपके पास पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आ रहा। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन 15 दिनों में आपको किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है, ना ही अपने रिलेटिव को, ना ही अपने किसी दोस्त को उधार देने से आपको बचना है। दूसरी बात यह कि जिन लोगों को अपने जैसे फील्ड में, जैसे हमारा कोई बिजनेस है उसमें कोई लोन चाहिए, ये वाला जो काम है आपका बहुत आराम से हो जाएगा। एक चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, लोन बृहस्पति दिलवाते तो बहुत जल्दी हैं, और कहां से दिलवाते हैं, क्योंकि सूर्य साथ है, तो कोई भी बैंक अथॉरिटी से आपको लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर्सनल लोन हो जाएगा, प्रॉपर्टी पर लोन हो जाएगा। एक चीज का आपको इसमें विशेष ख्याल रखना है, आप उतना ही पैसा उठाइए इस समय में जितना कि आपकी कैपेसिटी है, नहीं तो होगा क्या कि रीपेमेंट करने में आप लोगों को आगे वाले समय में परेशानी आएगी, और आप सोचोगे कि मैंने इतना पैसा उठा लिया उसके अब ब्याज कैसे मैं दूंगा। तो ये वो समय है कि जो आपको पैसा तो लोन पे जल्दी दिलवा देगा, लेकिन आप इस बात को समझो कि जो लिमिट उठा रहे हो आप या जो लिमिट बनवा रहे हो आप बैंक से, उसका सिस्टम उतना ही हो या उससे थोड़ा कम हो जो आपके मन में चल रहा है। तो ये वो समय है जहां आप अपने संघर्षों को, हर काम में संघर्ष आएगा, संघर्ष करेंगे और उससे उसमें जीत भी हासिल करेंगे। तो ये वो कॉम्बिनेशन आप लोगों का छठे हाउस में बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, अन्य वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। जब बृहस्पति का गोचर कहां हो जाएगा, आपके सेवेंथ हाउस में हो जाएगा, 1 मई को मैं आपको दोबारा उससे पहले एक नई वीडियो दूंगा। तो जब तक के लिए जो ये 15 दिन का समय है, हमें किस किस चीज में इन्वेस्ट करना है, अगर लोन हमारा सेशन नहीं हो रहा तो वो ले लेंगे, अगर हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का 10th हाउस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब लोग हमसे जल रहे हैं या हमसे ज्यादा बुरी तरीके से बात करें, तो आप इस समय बिल्कुल निराश मत होइए, जैसा वो बात करें आप कीजिए, जीत आपकी होनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।